वेलकम बैक नाजरीन जी हसन अल कादरी साहब जी, जैसे मैंने कहा जब तक ये करप्शन का मामला हल नहीं होंगे ये मामला, देखिए अब कुछ न्यूज़ जैसे अच्छी भी सुनने में आई है, हमें बिल्कुल नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। काशिफ भाई की बात को मैं सेकंड करूंगा कि देखिए अभी गवर्नमेंट के अर्ली डेज हैं, अभी हम इनको बिफोर के ये कोई काम करें हम इनको पहले एनालाइज़ नहीं कर सकते, शायद ये ज़्यादती भी होगी। देखिए अभी ये भी सुनने में आया है कि FBI को भी अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेके जाया जा रहा है, NAB ने बहुत सारे केसेस ऐसे भी पकड़े हैं जिसके अंदर उन्होंने अकाउंटेबल किया है ऑफिसर्स को, नॉट ओनली FBI बट ऑल्सो अदर ऑफिसर्स। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये एक अच्छा इकदाम है कि जी ये मामला क्यों हो रहे हैं। और उसके अलावा देखें जैसे असद उमर साहब ने कहा था कि जी हम करेंसी नोट्स के अंदर तब्दीली लाने का इम्कान था कि जी 5,000 का जो नोट है वो ख़त्म किया जाए ताकि करेंसी ना हो, क्योंकि ये यूरोप का एक कॉन्सेप्ट है। यूरोप के अंदर आप जाएँ जर्मनी के अंदर या किसी भी कंट्री में तो वो आपको अलाउ नहीं करते कि आप एक हद से ज़्यादा कैश रखें, वो कहते हैं डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होनी चाहिए। जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, देखें ये सारे कॉन्सेप्ट जब इवॉल्व होंगे तो अगले 4 या 5 सालों में जाके यूबी साहब आपके सामने रिजल्ट आएगा जिसके अंदर आपकी एक डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होगी, सारा कुछ होगा। और आपको ये देखने की ज़रूरत है कि जो लोग अनटैक्स्ड मनी से इन्जॉय कर रहे हैं, जिनके सासे बांध रहे हैं, देखें आज बड़ा आसान है इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना। अगर आप किसी की कंसील्ड इनकम देखना चाहते हैं तो आप जाइए उसका लाइफस्टाइल देखिए, आप देखिए उसने गाड़ी कौन सी रखी हुई है, उसने घर कौन सा रखा हुआ है, उसके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, बाकी मामलात क्या हैं, आप अंदाज़ा कर लें। और डेटाबेस आपके पास है, सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये कि डेटाबेस मौजूद होने के बावजूद हम क्यों डरते हैं उसको इस्तेमाल करने के। हमारे पास डेटा सबका मौजूद है, सिर्फ मसला ये हम उस डेटे को इस्तेमाल नहीं करते। जी काशिफ अनवर साहब, जो भी हुकूमत आती है खजाना खाली होता है, मुल्क क्राइसिस में गुजर रहा होता है, अभी यही हालत है, कर्ज लेने की तरफ कभी जा रहे हैं, कभी रुक रहे हैं, कभी देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाने से तो चलो रेवेन्यू आ सकता है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने के लिए तो खाने के लिए घर में होगा तो लॉन्ग टर्म सोचेगा ना बंदा। जब हमारे मुल्क के पास जब वो चीज़ें होंगी तो फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ भी बननी चाहिए और फिर बनानी भी चाहिए। लेकिन मौजूदा हालात में देखो जो हालात हैं उनमें हुकूमत जो अब नई हुकूमत बनी इसका मतलब सही जा रही है। देखें बात यह है, बात फिर वही है कि इतने उनके मसाइल हैं कि वो अपने मसाइल से निकल के अभी इस तरफ आ ही नहीं रहे। अभी तो हमें अपने खाने पीने का मसला पड़ा है, हमारी इकोनॉमी तब तक नहीं चलेगी जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। आपको इंडस्ट्री को चलाना है, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर गई, इम्पोर्ट्स बढ़ गई, आपके पास फॉरेन रिजर्व्स कम हो गए, ये सब चीज़ें जाके मिलती हैं आपकी इंडस्ट्री को। अगर आप इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री कोई लगाना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं लगाना चाह रहा? टैक्स के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ईज़ ऑफ जो डूइंग बिजनेस है उसके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आपका बिजली का कनेक्शन आपका नहीं लगता, गैस का मीटर आपका नहीं लगता, अगर लग जाए तो आपके जो मसाइल हैं वो सबको पता है। अगर आप इन मसाइल को हल कर देंगे, अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को अगर आप नहीं छेड़ेंगे, कॉन्फिडेंस में लेंगे, आप ऑडिट किसका कर रहे हैं? इंडस्ट्री का कर रहे हैं ना। आप ये कह दें, गवर्नमेंट ये कह दें कि भाई 5 साल हमने इस इंडस्ट्रियल सेक्टर का ऑडिट नहीं करना, क्या वो बिजली कंज्यूम नहीं कर रही, क्या वो रोज़गार नहीं दे रही? मुल्क का पैसा मुल्क में रह रहा है, रॉ मटेरियल आपका चल रहा है, एक इंडस्ट्री से आपकी 150 इंडस्ट्रीज आपस में मर्ज होती हैं। खुदारा इंडस्ट्री को चलने दें, हम वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं सर ना लगे, जो कानून चल रहे हैं आप कॉन्फिडेंस तो दें। आपकी जो 165 की नील की स्टेटमेंट है जो एक इंडस्ट्री ने डालनी है, उसका 2500 रुपया रोज़ का जुर्माना है। किसी ने एडजस्टमेंट ली, किसी ने एडजस्टमेंट नहीं ली, नील की रिटर्न नहीं डाली तो 2500, करोड़ों के लोगों को आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को नोटिसेज आ रहे हैं, ट्रेडर्स को नोटिसेज आ रहे हैं। देखें करप्शन कुछ नहीं होती, पॉलिसीज़ का कानून का बेजा और बे इख्तियार इस्तेमाल करप्शन। काशिफ अनवर साहब देखो, डॉक्यूमेंटेड जो इकॉनमी है मुल्क, उन्होंने तरक्की की है, लेकिन हमारे जो चैम्बर हैं वो तो हुकूमत के साथ, हर हुकूमत के साथ खड़े होते हैं, फिर क्यों आवाज़ नहीं उठाई जाती? देखें आवाज़ इससे ज़्यादा और क्या आवाज़ उठाई जाए, चैम्बर इससे अपना बेहतर रोल क्या कर सकता है कि कोई ऐसा मेंबर नहीं बन सकता लाहौर चैम्बर या किसी भी चैम्बर का मेंबर जब तक कि वो NTN होल्डर नहीं है। अब बात ये है, हमें अपने बाकी चीज़ों को भी तो देखना है। जो हम सिर्फ ये कहते हैं कि टैक्स नहीं दिया जाता, ये भी तो सवाल किया जाए कि टैक्स क्यों नहीं दिया जाता। अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दें कि टैक्स क्यों नहीं दिया जाता,
तो हो सकता है हमारा टैक्स बेस बढ़ जाए, हमारी अप्रोच गलत है। अश्वन अमर साहब, एक खुशी लोगों में लहराई थी, वही वजूरात भी और गवर्नर भी सब टैक्स देंगे, लेकिन वो आज फिर एक रिपोर्ट आई है, वो सेनेट की कमेटी ने उसको फिर अस्तना दे दिया है, वजूरा को और गवर्नर को वो टैक्स से फिर एग्जामेशन मिल गई है, तो इससे फिर क्या कंसेप्ट जाएगा लोगों में? अकाउंटेबिलिटी तब तक आपकी नहीं इफेक्टिव हो सकती जब तक हम उसको अपनी सुप्रीम काउंसिल से शुरू नहीं करेंगे, जब तक लीडर ऑफ द स्टेट अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश नहीं करेगा। मैं भी ये सवाल करूँगा कि भाई आप उससे तो अकाउंटेबिलिटी लेते नहीं, तो मुझसे क्यों लेते हो? जब लीडर्स ऑफ द स्टेट, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स, मेंबर्स ऑफ द सेनेट, मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज ये अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश कर देंगे, तो फिर किसी आम पाकिस्तानी का ये जवाब नहीं रहेगा कि वो ये सवाल करे कि आप मुझसे अकाउंटेबिलिटी क्यों कर रहे हैं। अनवर साहब, वैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान छापा मारें, शराब पकड़ें और वो शराब ना निकले बाद में साबित ना हो, जब हमारा कानून इतना मजबूर हो है, तो फिर हमारे हुक्मरानों की हालत क्या होगी? देखिए, मैं कोई भी बात करूं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है, तो वो शहद ही होगा। देखिए, सर, देखें, ये हमारी ही सतर्कता मिल के अपने मुल्क को सही कर रहे हैं ना सर। हम देखें, मैंने नहीं ठीक करना, आपने नहीं ठीक करना, हमने ठीक करना है। जब तक हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये मुल्क हमारा है, तब तक हम इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। लेकिन हमें अपनी तमाम पॉलिसीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू नहीं करेंगे, और सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी से रिलेट करती हैं, टैक्सेशन की पॉलिसीज़ हैं, हमें अपने इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम्स के कवानीन को रिव्यू करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ उनमें लूप होल्स हैं, उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर हम उनको क्लियर नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी कर लें, हम टैक्स बेस नहीं बढ़ा सकते, हम टैक्स अमाउंट ज़रूर बढ़ा सकते हैं। जी आशिकी राणा साहब, जैसा काशिफ साहब कह रहे हैं, जब तक हम अपने कानून को सही नहीं करेंगे, ताजरों को सहूलत नहीं देंगे, लोगों को उस तरफ ट्रेंड लोगों का नहीं आएगा, तो टैक्स नेट तो नहीं बढ़ेगा। तो आपके पास क्या तजावीज़ ऐसी हैं जो नॉन फाइलर को फाइलर की लिस्ट में लाया जा सकता है, गोशराब जमा कराए और खुशियों को टैक्स भी दे? वो देखिए जी, जितने भी नॉन फाइलर्स हैं, पहले तो ये देखना चाहिए कि इनकी असेसमेंट की जाए कि आया कि इनका लिविंग स्टाइल क्या है, इनके बच्चे कहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं। काशिफ निराला साहब, वो तो तमाम डाटा जैसे काशिफ अनवर साहब कह रहे थे, नादरा के पास, एफबीआर के पास मौजूद है। एक जब एमएनए या एमपीए खड़ा होता है ना इलेक्शन में, उसको पूरा जो वोटर उसके हलके के होते हैं ना, उस पूरी लिस्ट आ जाती है। इस दफ़ा मैंने वो देखी थी लिस्ट, हर बंदे को एक एक पर्ची बना के वोटर लिस्ट को दे रहे थे। इसका मतलब है अगर वो एक एमपीए के पास लिस्ट आ सकती है, एमएनए के पास आ सकती है, क्या एफबीआर के पास रिकॉर्ड नहीं? तो इसका मतलब है एफबीआर के जो ऑफिशल्स हैं, जो इतनी सैलरीज लेते हैं, उनकी नेगलिजेंसी है कि वो खुद नहीं चाहते, वो इट मींस कि वो खुद नहीं चाहते कि रेवेन्यू बढ़े। अगर वो लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है, जो टैक्स कलेक्टर है वो टैक्स कलेक्शन करना चाहिए। बस ब्यूरोक्रेसी का मसला है या हुकूमत का मसला है या सिविलियन का मसला है जिसकी वजह से नाकाम? इस पर तो मैं कसूरवार हुकूमत को करूँगा। हुकूमत इस ब्यूरोक्रेसी से क्यों नहीं काम लेती, जब उनके तमाम बेनिफिट्स, जो इनको सैलरीज हैं, तमाम आसाइशें दे रही है, तो इनसे काम क्यों नहीं ले रही? जो लोग टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं से कलेक्शन हो रही है, उन्हीं को हरासमेंट किया जा रहा है। बजाय नए लोगों की तरफ जाएं, उनसे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन करें, जो दे रहे हैं उनके साथ फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाएं। जैसे काशिफ साहब ने कहा कि उनको हरासमेंट ना किया जाए, उनको फ्रेंडली 5 साल के दिए, उनको छूट दे दी जाए कि आप टैक्स बिजली कंज्यूम करें, गैस कंज्यूम करें, इनडायरेक्टली वो टैक्सेस उस पर दे रहे हैं, ताकि वो फ्रेंडली खुल के खेलें, एक अपना काम करें। काशिफ अनवर साहब, इस तरह आशिक साहब कह रहे थे ब्यूरोक्रेसी को सही करने की ज़रूरत है। वैसे देखा जाए, हमारे एफबीआर का जो सिस्टम है, 3 LTO पूरे पाकिस्तान में और 2200 कंपनी उनके पास रजिस्टर है, जिससे वो 70% जो हुकूमती टैक्स अदा होता है उससे पूरा करते हैं। 30% के लिए हमारे पाकिस्तान में 18 RTOs हैं, जो हज़ारों की तादाद से FBI के मुलाजमीन, उसमें कमीशन, चीफ कमिश्नर से लेकर कमिश्नर तक नीचे तक बैठे हुए हैं। 30% को पूरा करने के लिए मार धार पूरे मुल्क में सारा वो सिस्टम जो अपनाया गया, इसका मतलब FBR
70 साल में सिर्फ हम तजर्बा इस गा इसको बना के इस्तेमाल कर रहे हैं या अफसरों को जानबूझ के हमने हदफ तक ही महदूद कर दिया है। देखें फिर वही बात है कि कानून ने बेजा इख्तियारात दे रखे हैं, हमने कानून का सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। जो टैक्स पेयर है उसकी कोई इज्जत नहीं, उसका कोई इख्तियार नहीं, उसकी कोई सुनवाई नहीं, और जो जिसने आप पे लागू करने हैं कवानीन उनके पास उनका भी कसूर नहीं है। देखें टू वन एक्सटेंट मैं ब्यूरोक्रेसी को भी यहाँ पर इल्ज़ाम नहीं देता, जब कानून उसको इख्तियार ज़्यादा दे रहा है तो वो इख्तियार क्यों नहीं लेगा ज़्यादा कानून को बदलने की, जब उन्हें ये पता होगा ब्यूरोक्रेट को। हमारे जो वो इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस 2001 है उसमें तो ये मेंशन है जो चीफ कमिश्नर है उसका कमरा बंद नहीं होगा, ओपन होगा, आम आने वाला बंदा है उसको देख सकता है, चीफ कमिश्नर साहब बैठे हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे लाख लगे हुए हैं। सर बात ये नहीं है, देखें इससे मेरी एक टैक्स पेयर की जात को फर्क नहीं पड़ता कि उसके कमरा वो देख सकता है या नहीं, टैक्स पेयर को इस बात से फर्क पड़ता है कि उसके पास ये इख्तियार है कि वो उसका बैंक अटैच कर सकता है, टैक्स पेयर को ये फर्क पड़ता है कि उसके पास ये इख्तियार है कि वो उसके घर पर छापा मार सकता है, टैक्स पेयर को इस बात से फर्क पड़ता है कि वो उसको उसके पास ये इख्तियार है कि वो उसकी फैक्ट्री सील कर सकता है, टैक्स पेयर को इस बात से फर्क पड़ता है कि उसके पास ये इख्तियार है कि उसके बच्चों को उठाया जा सकता है। जब ये नाजायज बेजा इख्तियारात आप वापस ले लेंगे अब ब्यूरोक्रेसी से, ये आपके हालात ठीक हो जाएंगे, आपको टैक्स पेयर को भी इख्तियारात देने होंगे। अगर मुझे ये सुना बताएं, अगर एक टैक्स पेयर का बैंक अटैच हो जाता है, अगर एक टैक्स पेयर को रिफंड नहीं मिलता, उसी पैसे उसने ग्रो करना होता है, किस कोर्ट में सुनवाई है, कौन उसकी सुनता है, टैक्स पेयर की तो सुनवाई है ही नहीं। ये तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। अगर आप पैसे लेने चले जाएं तो आपका ऑडिट खोल देते हैं। अब मेरे इलम में तो ये भी बात है कि आपके जो टैक्स पेयर हैं, आपकी जो इंडस्ट्री है, उनको नोटिसेज इस बात पे आ रहे हैं कि भाई आपने पिछले सालों से अपनी ग्रोथ बढ़ा दी है, आप कंसील कर रहे थे, आप चोर हैं, आपने क्यों छुपाई। ओ खुदारा, यहाँ पर शुक्र अदा करो कि अगर कोई इंडस्ट्री अपनी ग्रोथ दिखा रही है तो आप उसको इंस्टेड के उसको प्रेज करें। आप कहते हैं भाई हम तुम्हारे ऑडिट खोलने लगे हैं, इसका यह मतलब है कि आप ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री ग्रो ना करे, इंडस्ट्री ना लगे, क्यों कि आपने नाजायज इख्तियारात दे रखे हैं और नाजायज इख्तियारात हमें वापस लेने होंगे स्टेक होल्डर्स के साथ। मैं ये नहीं कहता कि ब्यूरोक्रेसी के पास कुछ होना नहीं चाहिए, आपको विद द कैरेट एंड द स्टिक दोनों तरीकों से काम करना होगा। हसन अल कादरी साहब, अगर हुकूमत, चलो टैक्स बेस को टैक्स बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म खुद कोई अप्रोच करें, कोई ऐलान करें, जो हमारे जो टैक्स को मशवरा जमा नहीं करवा रहे, या 2008 के जो सर्वे हुए हैं, या WWF जिस तरह FBR को एक दिया था वेलफेयर वर्कर फंड्स के लिए, उसमें वो इतना टैक्स जमा करवा देंगे, उसे कोई ऑडिट नहीं होगा, कुछ उसे पूछा नहीं जाएगा पीछे से कोई रिटर्न के बारे में, जायदाद के बारे में, तो आप क्या समझते हैं ये टैक्स बेस और टैक्स नेट बढ़ सकता है उस तरह? सर टाइम कम है थोड़ा सा, आप तजवीज़ आपने तो, जी जी, टैक्स बेस और टैक्स रेट जो है ना कोई आवाज़ लगाने से नहीं बढ़ेगा। अगर मैं टैक्स बेस और टैक्स नेट की प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ, तो मैं अपनी एक वॉइस रेस कर सकता हूँ। जैसे अभी अली साहब ने बात की और काशिफ साहब ने बात की कि देखें, एक तो ब्यूरोक्रेसी का जो इख्तियार है उसको महदूद किया जाए, और दूसरी बात आज का सवाल ये है कि हमारे पास जब IMF की एड आती है और वर्ल्ड बैंक की एड आती है, तो हम एक नया टैक्स नेट करने के बजाय हम क्या करते हैं कि हम रिफर्बिश कर देते हैं कमिश्नर के दफ्तरों को, असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तरों को, वहाँ बड़ा अच्छा AC लगा दिया जाता है और वो बड़े आराम से बैठ के वहाँ बात कर रहे होते हैं कि जी टैक्स नेट को ऐसे कैसे बढ़ाया जाएगा। टैक्स नेट इस तरह नहीं बढ़ता यूबी साहब। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए आपको फील्ड फोर्स रिक्वायर्ड है जो वाकई फील्ड में काम करे, फील्ड में जाए, इस पर रिसर्च करे, देखे कि टैक्स नेट कैसे बढ़ाए गए, और उसके लिए प्रॉपर इकदाम किए जाएँ। कमरे में बैठ के टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जा सकता, कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे, टैक्स पेयर को सहूलत नहीं देंगे, जब तक टैक्स पेयर को इज्जत नहीं देंगे टैक्स पेयर नहीं बढ़ेगा। जी काशिफ अनिल मेहर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आशिक अली साहब आपको बहुत शुक्रिया, टाइम कम है और टाइम फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, हसन कादरी साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसे हमारे एक्सपर्ट का कहना था, टैक्स बेस और टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए टैक्स पेयर को इज्जत देना होगी, उसके एतमाद को बहाल करना होगा, उसकी बिना पे ही हम टैक्स बेस को टैक्स नेट को बढ़ाकर अपने पाकिस्तान को तरक्की के राहों पर कामजन कर सकते हैं। नाजरीन, अगर हमारे प्रोग्राम में आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं टैक्स के हवाले से, मतलब कोई शिकायत है आपको किसी से, हमारा व्हाट्सअप नंबर, ईमेल नंबर
स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अय्यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।